डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूढ़ी प्रक्षेपों पर चर्चा करेंगे। हमने शंक्वाकार प्रक्षेपों की रचना को समझा, बेलनाकार प्रक्षेपों की रचना को समझा, खमध्य प्रक्षेपों की रचना को समझा, उनके पहचान के बिंदुओं को देखा, उनके गुणधर्मों को देखा, उनके उपयोग को देखा। तो हमें ऐसा देखने को लगा कि भाई विश्व के मानचित्र के लिए अभी भी हमारे पास में कोई बहुत अच्छे प्रक्षेप नहीं है जिन पर हम विश्व का मानचित्र बनाकर हम अनेकों उद्देश्यों के लिए उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्शंस आए जिसमें जिनको हम कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन प्रक्षेपों की रचना की गई थी। ठीक है, और उन प्रक्षेपों में देखिए, जब हम रूढ़ी प्रक्षेप की बात करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए कि विशेष प्रयोजन हेतु स्वतंत्र रूप से बनाए गए प्रक्षेपों को रूढ़ी प्रक्षेपों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो प्रक्षेप है, ये क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, इसके लिए हम ये देखेंगे कि अक्षांश और देशांतरों के सहारे विशिष्ट परिवर्तन करके इनको बनाया जाएगा। जब हम इनकी रचना करेंगे तो वो चीज सामने आएगी। इसमें मूल रूप से तीन प्रक्षेप हैं, गोलाकार प्रक्षेप, मॉल्विड प्रक्षेप और सेंसन फ्लैमस्टीड सिनुसॉइडल प्रक्षेप। ठीक है, ये तीन मुख्य प्रक्षेप हैं। इसमें मॉल्विड और सिनुसॉइडल प्रक्षेप के दो विशिष्ट रूप भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि हमारे कोर्स में मॉल्विड और सिनुसॉइडल है और इसके साथ में विच्छिन्न सेंसन फ्लैमस्टीड सिनुसॉइडल प्रक्षेप भी हमारे कोर्स में है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे और हम उनको देखेंगे कि वो किस तरह बनाए जाते हैं, क्या क्या उनकी पहचान के बिंदु हैं और क्या क्या गुणधर्म हैं, क्या क्या उनके उपयोग हैं। ठीक है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ मॉल्विड प्रक्षेप। ब्रैंडन मॉल्विड नामक एक विद्वान ने 1805 में ये प्रक्षेप दिया था और इनके नाम से ही इसको मॉल्विड प्रक्षेप या मॉल्विड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं, इक्वली। अब जब ये शब्द आया है समक्षेत्र प्रक्षेप, ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्षेप में हमें ये देखने को मिलेगा, पूरे प्रक्षेप में जहां पर देशांतरों के सहारे, गौर से सुनिएगा, जहां पर देशांतरों के सहारे पैमाने में अधिवर्धन हम देखेंगे, वहीं अक्षांशों के सहारे हम पैमाने के अंदर उसी अनुपात में कमी पाएंगे। ठीक है, और यदि उसका उल्टा होता है तो ठीक उसका विपरीत होगा, क्योंकि समक्षेत्रता का गुण लाने के लिए ये आवश्यक है कि यदि किसी एक के सहारे, अक्षांश अथवा देशांतर, किसी एक के सहारे यदि मापनी में धनात्मक परिवर्तन होता है तो दूसरे के सहारे उसी अनुपात में ऋणात्मक परिवर्तन होना अनिवार्य है, तभी समक्षेत्रता का गुण बना रह सकता है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रक्षेप की जब हम रचना की बात करेंगे ना, तो देखिए समक्षेत्र का गुण उत्पन्न करने के लिए यहाँ तीन स्टेप लिए थे मॉल्विड ने। सबसे पहले तो क्या किया था उन्होंने कि प्रक्षेप में जो देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं में 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं को मिलाकर
एक वृत्त के रूप में दिखाया, ठीक है, इस प्रक्षेप में। मैं आपको दिखाता हूं ताकि वो और स्पष्ट हो जाए। आप इस मैप को देखिएगा ताकि आपको थोड़ी थोड़ी एक मामूली जानकारी पहले से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए कि ये जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये यदि आप, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का पश्चिमी देशांतर है, ठीक है। इस प्रक्षेप में यदि आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपको एक स्पष्ट वृत्त दिखाई देगा, ठीक है। अभी मैं आपको पिछले प्रक्षेप में भी इसको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मॉलविड ने एक काम और किया था, मॉलविड ने एक टेबल दी थी, जैसे मर्केटर ने दी थी उसी तरह मॉलविड ने एक टेबल दी थी, जिस टेबल के सहारे ये जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इस भूमध्य रेखा, ठीक है ना, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच की दूरी निर्धारण करने हेतु हमारे को निश्चित स्थिरांक दिए थे, ठीक है। उन स्थिरांकों के सहारे बिंदु लगा के, और यदि हम भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींचते हैं तो हमारे हमारे अक्षांश बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने एक टेबल और दी थी, उसमें निश्चित कोण बताए, ठीक है, जिस कोण का यदि हम यहाँ एंगल बनाएं, है ना, जो कोण हमारी टेबल में निकल कर आता है, तो भी हमें यहाँ दोनों तरफ निश्चित अक्षांशों के बिंदु प्राप्त हो सकते हैं, और उनको मिलाने पर हमें अक्षांश रेखाएं खींचने में सहूलियत हो सकती है। हम दोनों तरीकों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, है ना। तो अब देखिए, ये जो दूरी है, ठीक है, इसको परिकलित करने का एक विशिष्ट सूत्र दिया, जिसमें क्या किया कि जो आभासी पृथ्वी हम लोग बनाते हैं, और आभासी पृथ्वी के लिए, है ना, पृथ्वी के लघुकृत गोले के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या की लंबाई में निरूपक भिन्न के हर का भाग देकर आभासी पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, उसको अंडर रूट 2 से गुणा करके, और इन्होंने इस वृत्त की त्रिज्या निर्धारित की, कौन से वृत्त की, 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट के देशांतरों से बनने वाले वृत्त की, ठीक है, है ना। तो इस वृत्त का जो व्यास है, है ना, वही हमारी यहां पर ध्रुवीय व्यास भी है, वही दूरी हमारा ध्रुवीय व्यास जो है वो भी बनाती है, ठीक है। ये ध्रुवीय व्यास है हमारा, ये जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, है ना, और ये इस पूरे प्रक्षेप में जो केंद्रीय मध्यान रेखा है उसकी लंबाई भी है। बाद में उन्होंने क्या किया था कि इस प्रक्षेप में ये जो दूरी है, ये अंडर रूट 2R, कैपिटल R, इतनी ही लंबी दूरी इधर और बना दी, और इतनी ही लंबी दूरी इधर और बना दी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने हमारी जो पूरी भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई को सुनिश्चित किया, ठीक है। और जब इसकी पूरी लंबाई हमारे पास आ जाती है, इसको निकालना बहुत आसान है, अंडर रूट 2 कैपिटल R इंटू 4, क्योंकि ये दूरी अभी हमें पता है कि अंडर रूट 2 कैपिटल R से निकली थी। अभी मैं दोबारा जब बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। उसको अब ये दूरी जो है, ये वाली दूरी, ठीक है, इतनी ही दूरी ये है, इतनी ही दूरी ये है, और इतनी ही दूरी ये है, तो 4 से यदि हम गुणा करते हैं इस दूरी को, तो भूमध्य रेखा की लंबाई आएगी नहीं आएगी, आएगी, है ना, और हम उस पूरी लंबाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम जो देशांतरों पर
हमारा अंतराल है, ठीक है ना, उससे इस दूरी को गुणा कर दें और 360 का भाग दे दें, तो यहाँ पर वो सारे बिंदु निकालने के लिए हमारे पास दूरी आ जाएगी ना, कि कहाँ कहाँ पर हम देशांतर खींचना चाहते हैं, वो सारे बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। ठीक यही विधि जो हमने भूमध्य रेखा पर अपनाई है, यही विधि हम समस्त अक्षांशों पर अपनाएंगे। जैसे एक ये अक्षांश है फॉर एग्जांपल, इसमें एच डी डैश ये जो दूरी है ना, है ना, इतनी की इतनी दूरी ये है सी एच, ठीक है। हम यदि ये एच डी डैश की दूरी इधर और बढ़ा दें और इतनी ही दूरी इधर और बढ़ा दें तो इस अक्षांश की लंबाई हमारे पास आ जाएगी, और फिर इसकी दूरी का परिकलन करके और अंतराल बटा 360 से भाग देंगे तो इस दूरी पर कहां कहां अक्षांश खींचे जाएंगे, इस कहां कहां देशांतर खींचे जाएंगे इस अक्षांश पर, ये निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट भी मिल जाएंगे, है ना। ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, सारे के सारे अक्षांशों पर देशांतरों के लिए पॉइंट निर्धारित कर लेंगे और फिर इनको हम फ्री हैंड खुले हाथ से मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो देशांतर है, ठीक है, उनकी रचना हम कर पाएंगे। अक्षांशों की रचना मैंने आपको पहले ही समझा दी, ठीक है। इस भूमिका के साथ मैं आपको प्रक्षेप कैसे बनाना है इसकी शुरुआत करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये प्रक्षेप एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रक्षेप में ये है 90 डिग्री वेस्ट, ये वाला, ठीक है, और ये है 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले, ठीक है ना। और जब हम ये वृत्त बनाते हैं तो ये जो वृत्त का केंद्र है इसके ऊपर हम एक क्षैतिज सरल रेखा खींच देते हैं जो मेरी भूमध्य रेखा का प्रतीक है, है ना। तो उसके ये दोनों किनारे तो मेरे पास आ ही गए जब मैंने वृत्त बनाया, ठीक है। और इसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हम इधर भी बढ़ा देते हैं और इधर भी बढ़ा देते हैं तो मुझे भूमध्य रेखा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, क्लियर। अब देखो, मैं आपको वापस शुरुआत पे लिए चलता हूं और वहीं से हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो देखिए, यहां पर ये सबसे पहले हम 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट, ये जो दो देशांतर है, लॉन्जिट्यूड्स हैं, है ना, इनको मिलाते हुए एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। ये वही आर है जो हमारे लघुकृत पृथ्वी के गोले की त्रिज्या है, जिसको हम हर प्रक्षेप में पहले ही स्टेप में निकालते हैं, है ना। सिंपल उसको केवल अंडर रूट 2 से गुणा कर देना है, है ना। मॉलविट ने उसको अंडर रूट 2 से गुणा करके, और सबसे पहले मॉलविट ने ये मॉलविट प्रक्षेप में जो बीच में वृत्त बनता है 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्व के देशांतरों को मिलाकर उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ऐसा करने से एक वृत्त एक गोलार्ध का सही सही क्षेत्रफल प्रकट कर देता है, ठीक है। और यही कारण है कि उन्होंने अंडर रूट 2 ही चुना, ठीक है। अब देखो, एक गोलार्ध का क्षेत्रफल प्रकट कर देता है, इसका मतलब क्योंकि पृथ्वी पर तो दो गोलार्ध होते हैं ना, तो हमें एक गोलार्ध और चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वृत्त के दोनों तरफ इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर बराबर विस्तार करते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई केंद्रीय मध्यान रेखा की लंबाई से दोगुनी कर देते हैं। अब आप देखिए, अभी आपने देखा केंद्रीय मध्यान रेखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ठीक है। अब यदि इसको हम देखें तो हमने जो अभी वृत्त बनाया था, है ना, और उसकी त्रिज्या रखी थी अंडर रूट 2 आर, यदि हम उसको 2 से गुणा करें, है ना, तो हमें ये
जो केंद्रीय मध्यान रेखा है इसकी लंबाई मिल जाएगी ना, क्योंकि इसकी लंबाई, केंद्रीय मध्यान रेखा की लंबाई, ये हमने जो वृत्त बनाया उसके व्यास के बराबर है, ठीक है, है ना। और ये कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा जो है वो इस केंद्रीय मध्यान रेखा की भी दोगुनी है, है ना। इसका मतलब भूमध्य रेखा की लंबाई जो हमने 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों को मिलाकर जो वृत्त बनाया है उससे चार गुना हो गई, ठीक है। इसलिए हमने कहा 4 × √2r, ये जो है इससे मेरी भूमध्य रेखा की लंबाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे हम, प्रक्षेप में बनाए जाने वाले प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे, और उस दूरी को ज्ञात करने के लिए मॉलविन महोदय ने हमें ये टेबल दी है, ठीक है। अब इस टेबल में हम दो तरह से हम ये दूरियां निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यदि R का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल R का, और ये दूरी निकालते हैं, तब तो हमें ये स्थिरांक काम में लेने पड़ेंगे, जैसे 5 डिग्री के लिए, जैसा हमने मर्केटर में ये काम किया हुआ है इसलिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो मर्केटर में भी हमने वही किया था, भूमध्य रेखा से हमने अक्षांश जो है उनकी दूरी निकाली थी भूमध्य रेखा से, है ना। और यहां भी हम वही कर रहे हैं, भूमध्य रेखा से हम अक्षांशों की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है, है ना। और वहां भी हमने क्या किया, हमने जो मर्केटर के द्वारा दिए गए जो स्थिरांक थे उनको R से गुणा किया था, आपको यदि याद हो तो किया था क्या, कुछ ऐसा ही किया था क्या हमने, मर्केटर को याद करिए आप, ठीक है, बिल्कुल हमने ऐसा ही किया था। बस मॉलविड की जो टेबल है उसमें स्थिरांक अलग हैं और मर्केटर की टेबल में स्थिरांक अलग थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए 10 डिग्री का हमें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश बनाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.197 से R को गुणा कर देंगे, ठीक है। इस दूरी का चाप हम भूमध्य रेखा के केंद्र से हम केंद्रीय मध्यान रेखा पर काटेंगे, तो हमें वो बिंदु मिल जाएगा जहां से होकर ये 10 डिग्री का अक्षांश गुजरता है, तो हम उस बिंदु पर एक जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर रेखा खींच देंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में खींचेंगे तो वो हो जाएगा 10 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में खींचेंगे तो वो हो जाएगा 10 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। उन्होंने इसका एक ऑप्शन और दिया था, उन्होंने कहा कि यदि आप स्मॉल R का इस्तेमाल करते हो, स्मॉल R जो है ना, स्मॉल R है, दैट इज इक्वल टू, बराबर है किसके, √2 × R, ठीक है। ये देखिए ये स्मॉल R है, ये 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूरब को मिला के देशांतरों को मिलाने पर जो वृत्त बनता है ये उसकी त्रिज्या है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या जो होगी वो √2r के बराबर होगी। तो r निकालने के बाद यदि आप इस स्मॉल r का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये स्थिरांक इस्तेमाल करना होगा, तो आपको दोनों में से कोई एक विकल्प चुन लेना है। आप जो लघुकृत पृथ्वी का गोला है उसकी त्रिज्या निकाल कर भी आप भूमध्य रेखा से अक्षांशों के बीच के लिए दूरियां निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा विकल्प ये है कि आप R का परिकलन करके स्मॉल R, है ना, 90 डिग्री पश्चिम से 90 डिग्री पूरब को मिलाने को मिलाकर जो वृत्त बनता है उसकी R, ठीक है, उसको निकाल कर और इन स्थिरांकों से गुणा करके भी आप भूमध्य रेखा से अलग अलग अक्षांशों की दूरियां निकाल सकते हैं। ये दोनों काम संभव है, ठीक है।
अब देखिए अगला काम, ठीक है। यदि हम ये चाहें कि हम कोणीय जो दूरियां हैं उसके आधार पर यदि हम अक्षांशों की रचना करना चाहें तो वो भी संभव है। और मॉलविड ने क्या किया, उसके लिए एक और टेबल दी, ठीक है। और मॉलविड ने कहा कि जो 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को मिलाकर जो वृत्त बनता है, ठीक है, उस वृत्त में भूमध्य रेखा को आधार मानकर यदि आप 8 डिग्री का कोण बनाते हो, ठीक है, तो वो 8 डिग्री का कोण जहां भी इस वृत्त को छूता है, ठीक है ना, और वो दोनों तरफ बना लेंगे हम, पश्चिम में भी और पूरब में भी, तो हमें दो बिंदु मिल जाएंगे इस वृत्त के ऊपर, है ना। तो उन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला लेंगे तो भी हमें अक्षांश जो है वो प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे। ये देखिए, जैसे यहां से ये 60 डिग्री अक्षांश के लिए ये बिंदु है इस वृत्त के ऊपर L। अब देखिए, आप देखिए कि ये 60 डिग्री के लिए कोण है 49 डिग्री 25 मिनट। तो यदि आप 49 डिग्री 25 मिनट यहां पर प्रकार में ये चांदे पर 49 डिग्री 25 मिनट कोणीय दूरी पर यदि ये रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो ये जहां पर इस वृत्त को काटेगी इधर भी और इधर भी, उन दोनों बिंदुओं को आप क्या करिए, आपस में स्केल से मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए दोनों तरफ, ये आपका 60 डिग्री का अक्षांश बनकर तैयार हो गया। तो आप ये दूरियां निकाल कर और ये दूरियां निकाल कर ये बिंदु तय कर लेंगे, 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 है ना, ऐसे ही नीचे कर लेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अक्षांश जो है उनके बिंदु निर्धारित करके और भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींचकर अक्षांशों की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप ये कोण जो है निश्चित कोण उनके आधार पर ये जो 90 डिग्री पूरब और 90 डिग्री पश्चिम को मिलाकर जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, इस वृत्त की परिधि पर आप निश्चित कोणों के मान लेकर परिधि पर बिंदु प्राप्त करके और उनको आपस में मिलाकर भी, है ना, पश्चिम और पूरब दोनों से बिंदु निकाल लोगे और उनको आपस में मिलाकर भी आप अक्षांशों की रचना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे के सारे अक्षांश बना देंगे, है ना, सारे अक्षांश बना देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, जब आप ये अक्षांश बनाते हो, ये वाला अक्षांश, ठीक है, तो आपने ये लाइन तो बना दी पर ये कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो आप क्या करिए कि प्रकार में ये दूरी भरिए इस बिंदु से लेके और ये वाली, और इतनी ही दूरी का एक चाप यहां पर आप प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के यहां लगा दीजिए, है ना, और एक चाप आप प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां रख के और यहां लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने इस दूरी का दुगना लिया था भूमध्य रेखा के लिए, इसी प्रकार इस दूरी का दुगना लोगे आप 15 डिग्री अक्षांश से। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये जो दूरी है, जैसे मान लो ये वाली दूरी 60 डिग्री वाली है ना, इस दूरी का डबल ले लोगे ना तो 60 डिग्री के अक्षांश की लंबाई आ जाएगी। तो डबल लोगे तो क्या करोगे कि इतनी दूरी तो इधर बढ़ा दोगे और F से लेके L तक की लंबाई की दूरी इधर बढ़ा दोगे। ऐसे करके हमें
सारे के सारे देशांतर जो हैं, सॉरी सारे के सारे अक्षांश जो हैं उनकी वास्तविक लंबाइयां प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें देशांतर खींचने हैं। ठीक है, और देशांतर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये भूमध्य रेखा की लंबाई पहले से है, ठीक है, और वो है 4 × √2 × r। हम इसको क्या करेंगे, अंतराल से गुणा कर देंगे, जैसा कि हम करते आए हैं सारे बेलनाकार प्रक्षेपों में। हम इसको अंतराल से गुणा करके 360 का भाग दे देंगे। बेलनाकार प्रक्षेपों पर भी निश्चित अक्षांशों के लिए बिंदु निर्धारित करने के लिए यही तकनीक हमने अपनाई थी। ठीक है, और जिस प्रकार से हमने इसके लिए किया है ठीक उसी प्रकार हम बाकी अक्षांशों के लिए भी करेंगे। हम अक्षांश की लंबाई नाप लेंगे और उसके बाद उसको अंतराल से गुणा करेंगे और 360 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब मैं भूमध्य रेखा के लिए ऐसा करूँगा, है ना, तो मेरे को जो जो दूरी प्राप्त होगी मैं उसी दूरी पर ये सारे के सारे चाप काट के बिंदु ले लूँगा, ये सारे बिंदु ले लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास में सारे के सारे जो देशांतर के लिए बिंदु आ गए, है ना। ऐसा मैं, जैसा मैंने पश्चिम में किया है ऐसे मैं पूर्व में भी करूंगा। इसी प्रकार जो दूरी मेरी इस 15 डिग्री अक्षांश के लिए आई है उसमें भी मैं वही करूंगा कि ये सब बिंदु लगा दूंगा। ठीक है, जब मैं ये बिंदु सारे अक्षांशों पर लगा लूंगा इसी विधि से, फिर हम क्या करेंगे, मुक्त हस्त खुले हाथ से, है ना, दक्षिण और उत्तर, या यूं कहें उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी पॉइंट्स को, जैसे जो पॉइंट 15 डिग्री के लिए आया है, है ना, 15 डिग्री पश्चिम के लिए, तो 15 डिग्री पश्चिम वाले सारे के सारे पॉइंट जो हैं उनको आपस में खुले हाथ से मिलाकर और हम 15 डिग्री पश्चिम का देशांतर बना लें। इसी प्रकार 30 डिग्री वाले पॉइंटों को मिलाकर 30 डिग्री का देशांतर बना लेंगे। ठीक है, तो जब हम ये पूरी प्रक्रिया दोहराएंगे, ठीक है, तो और दोहराने के लिए हम सबसे पहले हम अंतराल को संज्ञान में ले लेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें कौन कौन से देशांतर हमारे प्रक्षेप पर दर्शाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो मॉलविन प्रक्षेप है वो बनकर तैयार हो जाए। ठीक है ना, वो बनकर तैयार हो जाएगा। मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको थोड़ा जटिल है ये, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो हम आर निकालेंगे, अभी मैं आपको एक उदाहरण भी करवाऊंगा, है ना। सबसे पहले हम जो लघुकृत पृथ्वी है उसके गोले का अर्धव्यास निकालेंगे जिसको हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीधी सरल रेखा बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बीच में हम कहीं पर ध्रुव के लिए, सॉरी भूकेंद्र के लिए एक बिंदु लगा देंगे, है ना। कल्पना करेंगे कि भाई वहां से होकर केंद्रीय मध्यान रेखा निकलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सीधी रेखा आ गई और प्रक्षेप का केंद्रीय बिंदु आ गया, दो चीजें आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो आर निकल के आई है ना, लघुकृत पृथ्वी का जो अर्धव्यास निकल के आया, लघुकृत पृथ्वी के गोले का, हम इसको √2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और उस वो जो स्मॉल आर जो होगा, है ना, जब हम स्मॉल आर विल बी इज इक्वल टू √2 × R, हम इसका परिकलन कर लेंगे।
और उस दूरी को हम प्रकार में भरेंगे और एक वृत्त बना देंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को, जो प्रक्षेप का केंद्र हमने निर्धारित किया था उसके ऊपर रखकर एक वृत्त बना देंगे। ये वृत्त जो है वो 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों को मिलाकर बनाया गया वृत्त है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसको फिक्स कर लेंगे और वो ये जो त्रिज्या हमने निकाली है ना 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स को मिलाकर वृत्त बनाने के लिए, इसको यदि हम 4 से गुणा करें तो मौलविड महोदय के प्रक्षेप में हमारे पास में जो वास्तविक दूरी है इसकी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की है ना, वास्तविक लंबाई जो है ना प्रक्षेप वाली लंबाई है ना, वो निकल कर सामने आ जाएगी, ठीक है। इतना काम हम कर रहे हैं है ना, तो ध्यान रखना यहाँ भूमध्य रेखा का की लंबाई का परिकलन हमें 2πr से नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस भूमध्य रेखा को जिसकी लंबाई है 4 गुणा अंडर रूट 2 गुणा आर, ये सारे मूल्य हमारे पास है, आर का मूल्य रख देंगे बाकी तो सब हम जानते हैं है ना, तो हमें क्या करेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई मिल जाएगी पूरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई है इसको हम अंतराल से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री अंतराल है तो 15 से गुणा करेंगे और 360 का भाग देंगे, जो दूरी आएगी उस दूरी को प्रकार में भर के और हम पूरी भूमध्य रेखा को उस उन दूरियों के हिसाब से बांट लेंगे, अर्थात पूरी भूमध्य रेखा पर इन दूरियों पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 आर दूरी जो हमने परिकलित कर रखी है उसको प्रकार में भर के जो हमने वृत्त बनाया था, ठीक है, हम क्या करेंगे उस वृत्त के अंदर केंद्रीय मध्यान रेखा ड्रॉ करेंगे और केंद्रीय मध्यान रेखा बहुत सरल है। पहली बात कि ये जो हमने वृत्त बनाया है ठीक है उसके व्यास के बराबर लंबाई की ही होगी, नंबर वन। नंबर टू, ये केंद्रीय मध्यान रेखा जब आप ड्रॉ करोगे तो उसको पूरी तरह से आप भूमध्य रेखा के ऊपर समकोण पर ड्रॉ करोगे जिसका बीच का बिंदु है ना वो प्रक्षेप के केंद्र से मिले, आधा ऊपर ड्रॉ हो जाए और आधा नीचे ड्रॉ हो जाए, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। हमने अंडर रूट 2 इंटू आर का परिकलन करके हमने क्या किया कि एक लाइन खींची थी, उसके बीच में हमने एक पॉइंट लिया था जिसके लिए हमने कहा कि ये हमारे प्रक्षेप का केंद्र होगा, वहां पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और एक वृत्त बना लिया, ठीक है। ये पहला काम, तो ये वृत्त क्या है, ये बेसिकली 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों पर मिलाकर बनाया गया वृत्त, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस वृत्त के केंद्र से होते हुए एक क्षैतिज रेखा बड़ी है ना वृत्त से बाहर की ओर निकली हुई एक बड़ी क्षैतिज रेखा बनाकर छोड़ देंगे, ये हमारी भूमध्य रेखा है ना, और उसी प्रक्षेप के केंद्र बिंदु से हम क्या करेंगे इस भूमध्य रेखा के ऊपर लंब डालेंगे, ठीक है ना। और वो लंब जो है
वो जहां ऊपर इस वृत्त को छुएगा वहां तो हम कर देंगे उसको नॉर्थ पोल, और नीचे जहां वो छुएगा इस वृत्त को वहां कर देंगे साउथ पोल, दक्षिण उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और बाकी मिटा देंगे, क्योंकि यही उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली यही सरल रेखा मेरे प्रक्षेप की केंद्रीय मध्यान रेखा। ठीक है, इतना काम कर लिया, मतलब मेरे पास में एक क्षितिज लाइन आ गई जो मेरी भूमध्य रेखा है, मेरे पास में एक ऊर्ध्वाधर लाइन आ गई वो भी प्रक्षेप के केंद्र से होकर गुजरती है, ये मेरी प्रधान देशांतर है। ठीक है, और मैंने क्या किया, 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों को मिलाते हुए एक वृत्त की रचना कर दी, जिसके लिए प्रकार के नुकीले हिस्से को मैंने मेरे प्रक्षेप के केंद्र में रखा। इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने भूमध्य रेखा बनाई है उससे केंद्रीय मध्यान रेखा पर निश्चित दूरी पर हम वो बिंदु निर्धारित करेंगे जहां से होकर हमें अन्य अक्षांश रेखाएं खींचनी है। वो सारी अक्षांश रेखाएं हमारा जो जो भूमध्य रेखा है हमारी उसके समानांतर खींची जाएगी, और ध्यान रखना कि दूरियां जो है वो सदैव हम भूमध्य रेखा के ऊपर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर प्रक्षेप के केंद्र में वहीं से नाप नाप कर वो बिंदु लेंगे, जैसा हमने मर्केटर में किया था। ठीक है, तो अब इसके लिए मॉलविड महोदय ने एक टेबल दी, जैसे मान लीजिए कि मेरे सवाल में 15-15 डिग्री के अंतराल पर मुझे अक्षांश रेखाएं खींचनी है, तो मैं क्या करूंगा, 15 डिग्री वाला जो है ना यहाँ जाऊंगा, ये कांस्टेंट है, मैं इसको कैपिटल आर से गुणा करूंगा, है ना, और जो दूरी मुझे मिलेगी उस दूरी का चाप मैं इस केंद्रीय मध्यान पर लगाऊंगा, और मैं क्या करूंगा कि जो केंद्रीय मध्यान रेखा पर जहां ये चाप काटता है वो बिंदु निर्धारित कर लूंगा, बाकी मैं चाप को मिटा दूंगा। तो उस बिंदु से होकर मेरा 15 डिग्री उत्तर का अक्षांश बनेगा, और ठीक उसी दूरी का मैं दक्षिण में भी मध्यान रेखा पर एक पॉइंट लगा लूंगा, तो वहां से मेरा 15 डिग्री दक्षिण का अक्षांश जो है वो बनेगा। क्लियर, ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री के लिए दूरी निकाल लूंगा, 45 के लिए निकाल लूंगा, 60 के लिए निकाल लूंगा, 75 के लिए निकाल लूंगा, और 90 के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मेरे पास में है, है ना। ठीक है, अब देखिए अगली बात कि इसको मैं दो तरह से परिकलन कर सकता हूं, मैं कैपिटल आर से भी परिकलन कर सकता हूं, और मैंने जो वृत्त बनाया था 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों को मिलाकर उसकी त्रिज्या का यदि मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरे बस स्थिरांक बदल जाएंगे, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल करके भी वो दूरियां निकाल सकता हूं जहां पर हमें अक्षांशों की रचना करनी है। ठीक है, अब आप देखो 90 डिग्री का अक्षांश, क्योंकि वो हमारा जो नॉर्थ पोल है वही होगा, इसीलिए यहां देखो आप कॉन्स्टेंट देखिए एक गुणा आर, है ना, तो आर तो मेरा जो वृत्त मैंने बनाया उसी की तो त्रिज्या है आर, उसको आप एक से गुणा करोगे तो वैल्यू वही आएगी, है ना, तो जहां मेरा नॉर्थ पोल है वहीं पर मेरा नॉर्थ पोल दिखाया जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि मैं कोणीय दूरियां निकाल निकाल कर भी अक्षांश वृत्त खींच सकता हूं, एक तरीका तो वो जो हमने किया, दूसरे तरीके में क्या है, जैसे मान लो मुझे 30 डिग्री का
अक्षांश बनाना है। तो 30 डिग्री अक्षांश के लिए मैं क्या करूंगा, भूमध्य रेखा को आधार मानकर, भूमध्य रेखा को आधार मानकर मैं क्या करूंगा, जो प्रक्षेप का केंद्र है वहां से 40 डिग्री का कोण बनाऊंगा, ठीक है। और ये कोण, ठीक है, बनाने के बाद इस कोण की जो रेखा है वो जहां पर भी इस वृत्त को छुएगी उसी बिंदु से होकर 30 डिग्री का अक्षांश जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये उत्तरी गोलार्ध में भी कर सकते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से एक निश्चित माप का, जैसे 30 डिग्री के लिए क्या किया आपने, यहाँ से यहाँ पर ये कोण लिया है ना, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया इस वृत्त की परिधि पर, और ठीक ऐसा इतनी ही माप का एक पॉइंट यहाँ ले लिया और दोनों को सरल रेखा से मिला दिया, दोनों तरफ बढ़ा दिया उसको, है ना, दोनों को सरल रेखा से मिला दिया एच और जे को और दोनों तरफ आगे बढ़ा दिया, क्लियर। तो ऐसे भी हम देशांतर खींच सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए इसके बाद, है ना, खींच लिया। अब इसके बाद क्या है कि ये जो मेरा प्रक्षेप है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सारे के सारे अक्षांश बन गए, मेरी केंद्रीय मध्यान रेखा जो है वो भी बन गई, मेरे 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्व के कोण भी बन गए, ठीक है। अब क्या करना है कि साहब, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरी विषुवत रेखा की लंबाई है ये तो निकल के आ गई 4 × √2 × r, ठीक है। अब मैं इसको बराबर भागों में बांटकर, ठीक है, देशांतरों के लिए पॉइंट निकाल, कहाँ से निकलेंगे देशांतर, है ना। और एग्जांपल में हमारे पास 15 डिग्री का अंतराल है ना, तो 15 से हमने क्या किया, गुणा किया और 360 का भाग दिया, है ना, जो जो हमारी पृथ्वी की परिधि है उसकी लंबाई को हमने 15 से गुणा किया और 360 का भाग दिया, ठीक है। तो वो जो दूरी आएगी उसको प्रकार में भर के और इस केंद्र से दोनों तरफ में पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है, दोनों तरफ पॉइंट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ पॉइंट लगा लेंगे तो हमें वो बिंदु मिल जाएंगे जहां से हमारे देशांतर गुजरेंगे, और ये पॉइंट जो है मैं इस हिसाब से लगाऊंगा कि भाई मुझे टोटल विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा है उस पर कौन कौन से देशांतर दिखाने हैं, अंतराल क्या है मेरा, क्योंकि पूरी विषुवत रेखा जो कि एक वृत्त होती है वो 360 कोणीय दूरी दर्शाती है और 360 ही हमारे देशांतर होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो काम हमने भूमध्य रेखा पर किया है ठीक वही काम हम प्रत्येक अक्षांश पर करेंगे। जैसे भूमध्य रेखा पर मैंने क्या किया, ये जो त्रिज्या है इतनी की इतनी बड़ी लाइन और बनाई इस तरफ भी और इस तरफ, तो मेरी भूमध्य रेखा की कुल लंबाई आ गई सामने। ठीक इसी प्रकार ये जो दूरी है ये वाली, इतनी ही दूरी मैं इधर भी बनाऊंगा और इतनी ही दूरी मैं वृत्त के इधर भी बनाऊंगा, तो मेरे 15 डिग्री के जो हमारा अक्षांश है उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी, ठीक है। जो काम मैंने ऊपर किया वो मैं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी करता हुआ चलूंगा, तो ठीक इसी तरह मेरा 15 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश जो है वो भी बन जाएगा, उसकी लंबाई तय हो जाएगी, उसकी अंतिम सीमाएं तय हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो 30 डिग्री के लिए ये जो दूरी है HD, इतनी की उतनी दूरी प्रकार में भरूंगा और इस HD को आगे बढ़ा दूंगा यहां तक, ठीक है। और ये जो DJ दूरी है, या दूरी सेम ही है, DJ दूरी है ना, ठीक है, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी इधर और ले लूंगा, है ना। और फिर उसी विधि से, ठीक है, उसी विधि से जिस विधि से मैंने भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच की दूरी निकाली, ठीक उसी विधि से मैं
ये जितने भी अक्षांश हैं जिनकी लंबाई सुनिश्चित हो जा रही है, मैं उनके ऊपर ये जो अक्षांशों के लिए बिंदु है वो लगा लूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे बिंदु 15-15 डिग्री के लिए हैं उन सबको मिला के और एक वक्रीय रेखा खींच दूंगा, ठीक है, जो दक्षिण और उत्तरी अक्षांश को मिलाएगी, ठीक है। तो ये 15 डिग्री होगी, ऐसे मैंने 30 डिग्री वाले सारे पॉइंटों को मिला के खींचा तो 30 डिग्री हो गया, है ना, 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि हम पश्चिम में जा रहे हैं ना। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे जो देशांतर है वो भी बना लूंगा, तो मेरा प्रक्षेप पूरा बनकर तैयार, ठीक है, है ना। और मैं पहले दिखाता हूँ आपको एक बार, देखो इस तरह से ये वो कोण होते हैं, है ना, और इस तरह से हम संसार के मानचित्र को इस पर दिखा सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि इसके ऊपर समक्षेत्रता का गुण है, इसके क्षेत्रफल तो सदैव समान रहते हैं, सर्वत्र समान रहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल सर्वत्र समान रहते हैं, है ना। तो मैं इसके अंदर ये देखता हूँ कि इसके किनारे वाले भागों में थोड़ी सी आकृति संबंधी विकृतियाँ थोड़ी सी बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी ये अब तक के जितने भी प्रक्षेप हैं उनमें सबसे शानदार प्रक्षेप है पूरे विश्व का वितरण दिखाने के लिए। पहले नंबर पे मौलवी डाकू, ठीक है, विच्छिन्न मौलवीड पर हम उसको दर्शा के थोड़ा और शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने और उसकी सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए एक निरूपक भिन्न दिया हुआ है 1:25, है ना। इस पर हमें संसार का मानचित्र बनाना, क्लियर, ठीक है। अंतराल है 15 डिग्री, तो सबसे पहले तो आर निकालनी है, ये तो मैंने आपको हमेशा ही बताया आपको। जब आप आर निकाल लोगे और इसको अंडर रूट 2 से गुणा कर दोगे तो मेरे को जो दूरी प्राप्त होगी 3.59 सेंटीमीटर, इस दूरी को प्रकार में भरकर मैं जो वृत्त बनाऊंगा वो वृत्त मेरा 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूर्वी देशांतरों को मिलाकर बनाया गया वृत्त होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वृत्त बना लिया हमने, अब क्या किया हमने कि वो जो जिस केंद्र से हमने ये वृत्त बनाया है वहां मैं एक क्षैतिज रेखा खींच दूंगा, सरल रेखा लंबी, है ना, वो मेरी भूमध्य रेखा होगी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जितनी त्रिज्या मैंने ये ली है, है ना, वही त्रिज्या वृत्त के दोनों तरफ बाहर भी मैं आगे बढ़ा दूंगा तो मेरी भूमध्य रेखा की वास्तविक लंबाई जो प्रक्षेप में होगी, है ना, वो बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो मेरे पास आंकड़े थे उसकी सहायता से मैंने 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूरब को मिलाकर एक वृत्त बना लिया है, है ना, और मैंने भूमध्य रेखा ड्रॉ कर ली। अब इसी प्रक्षेप के केंद्र जहां से मैंने अनुकीला हिस्सा प्रकार का रख के वृत्त बनाया था, इसी बिंदु पर मैं भूमध्य रेखा के ऊपर लंब डालूंगा, ठीक है। तो वो जो रेखा बनेगी, ठीक है, उसको मैं ठीक ऊपर तक जहां पर वृत्त हमारा बना हुआ है उसकी परिधि को छुआते हुए बना दूंगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर मेरा उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, नीचे मेरा दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। इतना काम मैंने कर दिया, मतलब मैंने प्रधान देशांतर बना दी, है ना, जो केंद्रीय मध्यान रेखा, मैंने भूमध्य रेखा बना दी और मैंने 90 डिग्री पश्चिम और 90 डिग्री पूरब का जो देशांतर है उनको मिला के वृत्त बना दिए। अब जो सारणी हमने देखी थी,
है ना, उसी सारणी से स्थिरांक लेकर, और यहां मैं चाहूं तो यदि मैं कैपिटल आर यदि यूज करूंगा तो मेरे स्थिरांक दूसरे होंगे, और स्मॉल आर यदि मैं यूज करूंगा तो मेरे स्थिरांक दूसरे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं आपको पीछे लिए चलता हूं, ये देखिए 15 डिग्री एक दिखा देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि हम यहां पर स्मॉल आर लेकर परिकलन कर रहे हैं, तो 15 डिग्री के लिए जो स्मॉल आर है उसका स्थिरांक है 0.205। ये देखिए मैंने इसी स्थिरांक का इस्तेमाल किया है, देखो 0.205, और उसको आर से गुणा किया, आर की वैल्यू है 3.59। ठीक है, तो जो दूरी आई है ना वो आई 0.74 सेंटीमीटर। ये भूमध्य रेखा से मेरे 15 डिग्री अक्षांश की दूरी है, तो इसको मैं प्रकार में भर के, है ना, इसको मैं प्रकार में भर के, और मैं क्या करूंगा कि एक निशान लगाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे नीचे दोनों तरफ, क्योंकि ये दूरियां बराबर होगी दोनों तरफ, और इन बिंदुओं पर जो ये बिंदु मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन बिंदुओं पर मैं भूमध्य रेखा के समानांतर बड़ी रेखा बना के छोड़ दूँ, तो वो मेरे क्रमशः 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण के अक्षांश हैं। ऐसे ही मैं ये दूरियां निकालता जाऊंगा, 30 डिग्री के लिए लगाऊंगा, एक चाप ऊपर लगा दूंगा, एक चाप नीचे लगा दूंगा। ठीक है, तो मुझे वो बिंदु मिल जाएंगे और फिर भूमध्य रेखा के समानांतर थोड़ी सी बड़ी रेखा बना के छोड़ दूंगा। तो देखिए ऐसे कर करके ये दूरियां प्रकार में भरता जाऊंगा, है ना, पॉइंट लगाता जाऊंगा, और ध्यान रखना 90 डिग्री के लिए ये जो दूरी है ये, क्योंकि हम एक से गुणा करते हैं तो ये आर के बराबर ही होगी, है ना, 3.59 सेंटीमीटर। ये वही दूरी है जिसको प्रकार में भर के मैंने वृत्त बनाया था, इसका मतलब मेरा 90 डिग्री है वो यहीं पर मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मेरे सारे के सारे अक्षांश जो है वो बन गए, लेकिन अभी तक मेरे अक्षांशों की जो लंबाई है वो मैंने फिक्स नहीं करी है। तो देखिए एक मैं करके बता देता हूं, जैसे ये 30 डिग्री का अक्षांश है, ये मैंने लाइन बना के छोड़ दी लंबी, मैं क्या करूंगा ये दूरी प्रकार में भरूंगा DH, और मैं इतनी ही दूरी प्रकार में भर के यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर और मैं यहां चाप काट दूंगा, ये मेरे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अधिकतम विस्तार हो गया, आगे की लाइन को मिटा दूंगा, और ठीक ऐसे ही उतनी ही दूरी का चाप मैं यहां पर काटूंगा और यहां तक की मैं ये लाइन ले लूंगा और आगे की रिमूव कर दूंगा, तो मेरे 30 डिग्री अक्षांश की लंबाई मेरे सामने आ गई। ये जो मैंने यहां किया है 30 डिग्री पे वो सब पे करूंगा, 15, 30, 45, 60, 75 उत्तर और यही सारे दक्षिणी अक्षांश, इन सब पर मैं यही करूंगा, तो मेरे सारे के सारे जो अक्षांश हैं उनकी लंबाई तय हो गई। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि भूमध्य रेखा की लंबाई जो है वो मेरे पास पे है 4 × √2 × r। मैं क्या करूंगा, ये लंबाई परिकलित करके, ठीक है, उसको अंतराल से गुणा करूंगा, जैसे यहाँ अंतराल 15 डिग्री है ना, अंतराल से गुणा करके और उसमें 360 का भाग दूंगा, जो भी दूरी आएगी मैं उस दूरी के बिंदु, उसी दूरी पर बिंदु यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ले लूंगा। ठीक है, समान दूरी पर, और मैं ध्यान रखूंगा कि कौन सा बिंदु मेरे कितने डिग्री के लिए, 15 डिग्री पश्चिम के लिए कौन सा है, 30 डिग्री पश्चिम के लिए कौन सा है, है ना। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मान लो 150 डिग्री पूरब के लिए कौन सा है, 165 डिग्री पूरब के लिए कौन सा है ना, इन सब बिंदुओं का मैं ध्यान रखूंगा। इसी प्रकार ये जो बाकी सारी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई मैं नाप कर उनको मैं क्या करूंगा
मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा अंतराल से और उसमें 360 का भाग दे दूंगा, ठीक है। तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लिए भी मेरे पास एक दूरी आएगी, उसी दूरी के मैं निश्चित पॉइंट लगा लूंगा, है ना। 180 डिग्री के लिए इधर और 180 डिग्री के लिए इधर, ठीक है। जितनी दूरी मैंने 15 डिग्री पर यहाँ ली है उतनी ही दूरी मैं 15 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश के लूंगा, 15 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके लिए लूंगा। जब मैं ये सारे अक्षांशों पर फॉलो करूंगा, ठीक है, तो मेरे को वो सारे बिंदु मिल जाएंगे, जैसे 15-15 के बिंदु कौन से हुए, उन सबको मैं क्या करूंगा, मुक्त हस्त, है ना, खुले हाथ से मिला दूंगा। इसमें मैं कहीं नुकीले कोण नहीं आने दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे देशांतर बना दूंगा, ऐसे ही मैं सारे देशांतर बना दूंगा, ठीक इसी विधि से। जैसे मैंने सब 180 डिग्री पश्चिम के सारे पॉइंट मिलाए, और देखो 180 डिग्री पश्चिम के सारे पॉइंट मिलाकर और मैंने क्या किया, ये देखिए ये 180 डिग्री का देशांतर मैंने खींच दिया। मेरा प्रक्षेप बनकर तैयार, ठीक है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं इसके पहचान के बिंदु, इसके गुणधर्म और उपयोग की, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला प्रक्षेप है, क्योंकि संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए सबसे सुंदर विकल्प है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम एक एक करके और इसके पहचान के बिंदु देखते हैं, है ना। देखिए सभी अक्षांश वृत्त सरल, सबके सब सीधे हैं ना, और समांतर रेखाओं की तरह होते हैं, और इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर को कम होती जाती है। ये देखिए ये देखिए पहली दूरी आई है 0.74। यदि मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो दूसरी दूरी आनी चाहिए 0.1.48, लेकिन देखो ये थोड़ी सी कम है, 1.45। थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ऐसे ये दूरी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी, थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय मध्यान रेखा सरल होती है, बिल्कुल सीधी होती है, केवल एक ही देशांतर है जो सरल रेखा होती है। 90 डिग्री पूरब और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक वृत्त के दो भाग होती है, बिल्कुल होती है, और बाकी सारी की सारी देशांतर रेखाएं दीर्घ वृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 3, केंद्रीय मध्यान रेखा ही अक्षांश वृत्त को संपूर्ण पर काटती है, शेष सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती है, तथा ये तिरछापन केंद्रीय मध्यान रेखा से पूर्व और पश्चिम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल संपूर्ण का प्रतिच्छेदन हमें केवल और केवल केंद्रीय मध्यान रेखा पर देखने को मिलता है, बाकी कहीं भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में संपूर्ण पर नहीं काटती। चौथा पॉइंट, प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यान रेखा भूमध्य रेखा की आधी होती है, बिल्कुल आधी होती है, है ना। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये हमने त्रिज्या ली थी, ठीक है, और एक वृत्त बनाया था, है ना। तो ये दो त्रिज्याएं मिलके एक व्यास हो गया ना, इसी लंबाई की है ये केंद्रीय मध्यान रेखा, ठीक है। जबकि भूमध्य रेखा में हम जितना बड़ा ये व्यास है इतनी ही बड़ी दूरियां दोनों तरफ
बढ़ा देते हैं, है ना, अर्थात एक त्रिज्या के बराबर दूरी इधर बढ़ा देते हैं और एक त्रिज्या के बराबर दूरी इधर बढ़ा देते हैं। तो ये इस व्यास की डबल हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब भूमध्य रेखा जो है वो केंद्रीय मध्यान रेखा से दोगुना हुई या नहीं हुई, या केंद्रीय मध्यान रेखा भूमध्य रेखा से आधी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर। पांचवा प्रश्न, किसी भी अक्षांश वृत्त पर उत्तरोत्तर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। अब एक ही अक्षांश वृत्त पर भूमध्य रेखा, एक ही अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरियां तो हमने नाप नाप के लिए ना, ठीक है, तो एक ही अक्षांश पर हमने ये दूरियां एक ही ली, समान दूरियां ली, ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। अब हम उसके गुणधर्म देखते हैं, है ना, हम इसके गुणधर्म की चर्चा करते हैं। देखिए इसमें पहला, चूंकि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई 2πr से छोटी होती है, है ना, अतः उस पर मापनी भी छोटी होती है। और भूमध्य रेखा छोटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें देशांतर, ज्यादातर देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े होते हैं, तो समक्षेत्रता का गुण बनाए रखने के लिए, क्योंकि देशांतर बड़े हो रहे हैं तो आपको अक्षांशों को छोटा, उसी अनुपात में छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वस्तुतः भूमध्य रेखा तथा उससे 5 डिग्री तक के अक्षांश वृत्तों पर मापनी घटी हुई है, है ना, 5 नहीं है, 45 है, आप इसको सही करिएगा, 45 डिग्री तक। तो देखो 45 डिग्री तक, अर्थात भूमध्य रेखा, है ना, 15, इस एग्जाम्पल में 15 डिग्री वाला हमारा अक्षांश, 30 डिग्री वाला अक्षांश, ये अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे हैं, ठीक है, लेकिन 45 डिग्री के बाद जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर मापनी इन अक्षांशों के सहारे बढ़ने लगती है। तो देखो आपने देखा होगा कि इससे मिलता जुलता गुण आपको गाल प्रक्षेप में मिलता है, है ना, गाल प्रक्षेप में भी क्या है कि 45 डिग्री से जो छोटे अक्षांश है उन पर तो क्या होता है, मापनी में ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, और उससे जो बड़े अक्षांश है उन पर धनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ठीक उसी से मिलता जुलता है ये गुण, ठीक है। अब देखो दूसरा, भूमध्य रेखा की आधी लंबाई के बराबर बनाई जाने के कारण केंद्रीय मध्यान रेखा पर भी मापनी घटी हुई है। जब भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई की आधी है ना, और उसी को आधा मानकर हमने केंद्रीय मध्यान रेखा बनाई है, तो निश्चित रूप से वो भी अपनी वास्तविक मापनी से छोटी होगी। परंतु केंद्रीय मध्यान रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी बढ़ती जाती है, और सीमावर्ती जो किनारे है ना, पश्चिमी और पूर्वी किनारे प्रक्षेप के, वहां तो ये देशांतर काफी बड़े हो जाते हैं। तीसरा देखिए गुण, मापनी के उपरोक्त परिवर्तनों से यह प्रक्षेप समक्षेत्र गुण वाला बन जाता है, ठीक है। तो मौलविड महोदय ये सारे के सारे जो परिवर्तन इस प्रक्षेप में करते हैं वो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर करते हैं कि ये प्रक्षेप एक समक्षेत्र गुण वाला प्रक्षेप बना रहे, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है ना, गुणधर्म का, केंद्रीय मध्यान रेखा से 30 डिग्री तक क्षेत्रों की आकृति अच्छी प्रदर्शित होती है, है ना, मतलब आप केंद्रीय मध्यान रेखा से 30 डिग्री पश्चिम और 30 डिग्री पूर्व जाते हो, वहां तक आकृति में अशुद्धियां कम होती है, क्योंकि देखो ये तो समक्षेत्र प्रक्षेप है। अब समक्षेत्र प्रक्षेप है तो ये तो मान के चलो कि ये यथाकृतिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों गुण कभी साथ में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो यद्यपि प्रक्षेप के सीमावर्ती भागों में आकृति बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है, तथापि सिनुसॉइडल प्रक्षेप की तुलना में यह विकृति कम होती है। हालांकि इसमें किनारों पर आकृति संबंधी विकृतियां आती है, लेकिन इससे ज्यादा विकृति सिनुसॉइडल में आती है, ठीक है, और इन दोनों से ज्यादा विकृति
है ना, किधर, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में, यहाँ तो आ रहा है केंद्रीय मध्यान रेखा से पश्चिम और पूर्व में, है ना, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों की ओर इससे ज्यादा तीव्र विकृतियां हैं हमें देखने को मिलती है समक्षेत्र बेलनाकार पक्षी। इसीलिए संसार के वितरण मानचित्र दिखाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो प्रक्षेप है वो है मॉल्विड, और दो नंबर है वो है साइनोसॉइडल, और तीन नंबर पे आता है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। पांच, प्रक्षेप में दिशा शुद्ध प्रदर्शित नहीं होती, है ना, तो ये एक एजिमुथल प्रोजेक्शन नहीं है, ये शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं। अब उपयोग देखिए, है ना, बड़ा सरल है भाई, समक्षेत्र है नंबर वन, है ना, तो वितरण मानचित्रों के लिए अच्छा हो गई होगा। दूसरा कि आकृति संबंधी विकृति सबसे कम पाई जाती है इसमें, जो प्रक्षेप में उपलब्ध है पूरे संसार के मानचित्र बनाने के लिए उनमें से, ठीक है, तो मानचित्रावलियों में संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इसका बहुत प्रयोग हुआ, ठीक है ना, और इसका कारण ये है कि इसके ऊपर जो संसार के मानचित्र बनाए जाते हैं उसमें किनारों की और क्षेत्रों की आकृति विकृत होती है, ठीक है, विकृत होती है, है ना, लेकिन ये सबसे उपयुक्त तो विकल्प है हमारे पास जो अब तक हमने प्रक्षेप पढ़े हैं उनमें से, लेकिन इस विकृति को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि हम सामान्य मॉल्विड प्रक्षेप की बजाय विच्छिन्न मॉल्विड प्रक्षेप का प्रयोग करें। आजकल इसका प्रयोग बढ़ भी रहा है, फिलिप्स की यूनिवर्सिटी एटलस में संसार के वितरण मानचित्रों के लिए विच्छिन्न मॉल्विड प्रक्षेपों को ही चुना गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विच्छिन्न मॉल्विड प्रक्षेप कौन से होते हैं, ये देखिए इस तरह के होते हैं, ठीक है, और जब इनको बनाया जाता है तो किनारों पर जो विकृतियां आती है ना सामान्य मॉल्विड में, ठीक है, आकृति में, उनको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यही कारण है कि ये प्रक्षेप जो है ये भी आजकल संसार के मानचित्रों को दिखाने के लिए, वितरण मानचित्रों को दिखाने के लिए एटलस में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन सरलता से विश्व मानचित्र पर वितरण प्रदर्शित करने के लिए सामान्य मॉल्विड प्रक्षेप का उपयोग आज भी किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला रूढ़ी प्रक्षेप हमारा पूरा होता है। और अब इससे आगे हम जो रूढ़ी प्रक्षेप करेंगे वो है साइनोसाइडल या ज्यावक्रीय प्रक्षेप।